सॉल राइट हे गाइज व्हाट्सअप एवरीबडी दिस सेट सार्वेंद्र और आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ माई बेस्ट फ्रेंड लाइक कंसेप्ट है ये। सो इसे जस्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सब होंदे यार बलिए, तो यार इस चीज़ के सोचा था थोड़ा पंजाबी भी आती है हल्की हल्की, जो इफ़ अगर कोई पंजाबी फ्रेंड मेरा देख रहा है ये ट्यूटोरियल सो बढ़िया गाने हैं सुनो बम्बिया बोले। आपने भी अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुनना भाई, सिद्धू भाई का गाना है मस्त है। ठीक है अब भाई बैक आते हैं अपने फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप में बहुत प्रॉब्लम क्या आई है लोगों को, वो है सबसे पहली कि भाई मेरे चैनल से आप PNGs नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ और नाम सर्च करने के बाद यहाँ सबसे पहले जो मेरी लिंक आती है कोई सी भी तो इस पर क्लिक करता हूँ, मंकी वाली जो सबको प्रॉब्लम थी मोस्टली केसेस में। तो यार यहाँ आपने 1300 लाइक कर दिया, वाओ बहुत ज़्यादा थैंक यू यार, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि इस पर मैंने जस्ट टारगेट रखा था 100 लाइक्स का, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो हेड्स ऑफ यार आप सबका थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन होएगा टेलीग्राम, और ये पूछेगा आपसे टेलीग्राम आपके कंप्यूटर में है, तो आप ये टेलीग्राम यहाँ से ओपन करेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं होता बाय चांस, मतलब ये लिंक नहीं खुल पाती आपसे, तो ये जो नाम है मेरा सार्वेंद्र यहाँ पे, ये आप कॉपी करेंगे टेलीग्राम सर्च में डालेंगे। मैं टेलीग्राम दिखा देता हूँ आपको ओपन करके, यहाँ पे जब आप सर्च में डालेंगे ना मेरा नाम सार्वेंद्र, तो यहाँ आपको ये सर्च में भी मिल जाएगा ग्रुप, तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। ठीक है तो यहाँ 1200 लोग हो रखे हैं पूरे ज्वाइन, तो आज का भी ये भी कंसेप्ट अभी मैं डालूंगा, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा तो आप सब देख सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं। और ये वाला कंसेप्ट को आपने बहुत ज़्यादा लाइक करा, सो थैंक यू ईच एंड एवरी गाइस जिसने भी सपोर्ट करा इस पार्ट को, इस मेरे क्रिएशन को। ठीक है और यहाँ से आप सारी PNGs निकाल सकते हैं, मैं यहाँ सारी PNGs पोस्ट करता रहता हूँ डे टू डे, हर डेली आती रहती है। सो अब मैं आपसे बात करता हूँ इस फोटो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले यहाँ मैंने इसमें क्या कर रखा है, यहाँ मैंने स्नेक ड्रॉ कर रखा है, और स्नेक आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड कर रखा है मैंने अपने बॉडी के अराउंड पे, स्नेक इधर से जा रहा है और यहाँ से बैक साइड से होते हुए इधर हैंड पे भी लिपटा हुआ है, और यहाँ एक टैटू है और ये कलर है हेयर्स में, और जस्ट हैंड पे थोड़ा टैटू है अगर आप गौर करें, और फिर मेरा प्यारा सा लोगो है, बैकग्राउंड पूरा चेंज है, और यहाँ पे हेयर की कटिंग आप देख सकते हैं क्या अल्ट्रा लेवल पे कर रखी है मैंने। सो इसके लिए तो ट्यूटोरियल है पहले से चैनल में, आप देख सकते हैं इजीली, और थोड़ी बहुत रीटचिंग करी है मैंने चेहरे पे, तो रीटचिंग का भी ट्यूटोरियल है चैनल पे, तो आप ज़रूर वॉच करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को भी कि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा आपके लिए जो आपको देखने में बहुत सही लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ये ग्लो इफेक्ट है सन का जो ऊपर से मैंने डाला है, तो जस्ट एग्जिट करते हैं फुल स्क्रीन मोड। तो यहाँ हम बैक आ गए हैं अपने फोटोशॉप में, और यहाँ एक्सटर्नल चीज़ें बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे रैम की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से फाइल में जाके थोड़ा अगर आपका फोटोशॉप हैंग करता है तो यहाँ से ऑल क्लियर कर दीजिए पर्स, तो वो अब थोड़ा स्मूथ हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ठीक है तो यहाँ सारी लेयर्स हिडन कर देता हूँ मैं, और ये लेयर्स में ही वर्क है, इसमें कोई हाईफाई वर्क नहीं है जो आपको लगे कि आप खो जाएंगे आपको नहीं आएगा, तो डोंट वरी यार मैं बैठा हूँगा। सबसे पहले यार बैकग्राउंड है, और ये फुकांडो रूजी ने कर रखा है क्रिएट क्लिक कर रखा है, सो शाउट आउट है भाई को, ज़रूर फॉलो करें स्प्लैश पे, वहाँ से मैंने ये चीज़ यूज़ करी है। ठीक है और इसमें एक मैंने बॉक्स ब्लर डाल रखा है, बॉक्स ब्लर गॉसियन ब्लर जो आपको सपोर्ट करता है वो आप कर सकते हैं, बॉक्स ब्लर थोड़ा लाइट है मेरे में तो मैं वो कर लेता हूँ, गॉसियन कईयों में सही चलता है तो गॉसियन कर सकते हैं आप। इसके बाद मैंने थोड़ा सा डन वो डीप कर रखा है इसके कलर को सेलेक्टिव कलर्स में, जब आप यहाँ पे आएंगे ब्लैक्स में तो यहाँ आपको +14 कर देना है बस। ठीक है तो उससे क्या होगा जो ब्लैक्स होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे, अगर आप कुछ और भी करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप ब्लैक्स ही इफेक्ट कर रहा है। क्यों ऐसा करा था, क्योंकि मेरे को ये मैच करने थी अपनी टी शर्ट की कलर। ठीक है और कोई मोटिव नहीं था मेरा इस जगह पे,
तो यहाँ मैंने खुद को इंसर्ट कर रखा है और यहाँ बारीकी से बियर्ड तक की कटिंग है, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। ट्यूटोरियल है चैनल में ही है, शायद अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप वॉच कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको भी थोड़ा सेलेक्टिव कलर से ब्लैक करा था। ठीक है, ब्लैक 18 और थोड़ा येलो, क्योंकि मेरी ऐसी थीम है जो पर्पल कलर इसमें ही ना रहा था, तो आप वो देख सकते हैं। जस्ट आपको अचीव करना है कॉन्ट्रास्टिव ब्लैक कलर जो पीछे से भी मैच आता हो। अब यहाँ पे ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, ये भी है, तो थोड़ा सा तो डिफर रहेगा, क्यों पीछे सन है और आप फ्रंट में है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब जो मेन पॉइंट आता है वो है थोड़ा आई ग्लो का। आई ग्लो हल्का सा ही है और आई ग्लो में कुछ नहीं कर रखा है मैंने, शायद कर्व को बहुत ही हाई कर रखा है, आप देख सकते हैं। जितना हाई लेके जाएंगे उतना अच्छा ग्लो होगा आई ग्लो, और एक मास्क डाल के आप थोड़ा थोड़ा वो कर सकते हैं। ठीक, इजली है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ अभी मैं बताऊंगा आपको, ये भी चीज़। तो फाइनली इंपोर्ट करते हैं अपने स्नेक को, तो स्नेक इंपोर्ट कर देते हैं अपने दोनों स्नेक को यहाँ पे। हाँ, ये तो ये फाइनली स्नेक इंपोर्ट हो गया। इसकी मैं PNGs भी दूंगा आपको, जो आप इजीली कर सकते हैं, और यहाँ मैंने अच्छे से कटिंग कर रखी है आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ कट एक और बना रखा है जो इसके बीच में है, सेपरेशन दिखे जिससे। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी शेडोज ऐड कर रखी हैं, ये शेडो। अब ये शेडो कैसे क्रिएट हुई थी, तो जस्ट सिंपल है भाई, आपको यहाँ से कर्व बिल्कुल डाउन खींच के लाना है यहाँ तक। ठीक है, और स्लोली स्लोली आपने ब्रश लेना है, एक फैदर्ड ब्रश, और जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे सही है यहाँ पे सही है, तो यहाँ तक आप शेडो ला सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। और ध्यान रखिए ये जो रेड कलर हो रहा है यहाँ पे, ये ना हो, तो इस चीज़ का बहुत ही खासा ध्यान रखिए जब आप एडिट कर रहे हो। ठीक है, तो कर्व्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा रियलिज्म दिखाने के लिए कर्व से हमें करना पड़ता है शेडो को। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पूरी बॉडी के अराउंड एक ब्लैक कलर का ब्रश लेके पूरा पेंट कर रखा है आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं थी मुझे। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ भी कर रखा है मैंने आराम से, धीरे धीरे सारी शेडो पेंट कर रखे है। शेडो सेम ही होती हैं, और ये शेडो कैसे पेंट हुई हैं तो इसको भी मैं अभी गो थ्रू करता हूँ आपके साथ। तो यहाँ एक न्यू लेयर क्रिएट कर देता हूँ मैं, और यहाँ एक ब्लैक ले लेता हूँ और ब्रश सॉफ्ट फैदर। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे धीरे 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 सो यहाँ आप हर चीज़ कर सकते हैं। शेडो भी अच्छे से क्रिएट हो गई है, कोई इतना हाई फाई टेक्सचर्ड कुछ वो नहीं है, तो यही चीज़ मैंने नीचे कर रखी है। और फिर मास्क डाल के थोड़ा सा चेंज कर रखा है मैंने हल्का सा। ठीक है, और मैंने फिर इसकी कलर भी चेंज करे थे, मैंने ब्लैक करा था, मैंने ब्लू कलर की शेडो बनाई थी, तो मैंने ब्लैक कलर का ओवरले डाल रखा है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ थोड़ा मैंने शेडो फिर से डाला है, वही सेम टेक्निक, ब्रश लेके हल्का सा नीचे ऐसे। ठीक है, आपको दिख गया होगा, और ये भाई साहब की वो है पूंछ। अब इसको ब्लैक में कैसे कन्वर्ट करा मैंने, मेन पॉइंट ये है। शेडो वेडो बनाना इतना वो नहीं है, मुश्किल मुश्किल। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस वाले में दिखाता हूँ, उसमें आपको पूंछ में समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसे कैसे बनाया जाता था, आपको ग्रेडियंट मैप लेना पड़ेगा। एक ग्रेडियंट मैप लेंगे आप, कोई सा भी ग्रेडियंट मैप लीजिए, लाइक दिस वन आपने ले लिया, और इसके ब्लैक को बहुत आगे तक बढ़ाते जाएं जब तक आपको एक अचीव ना हो जाए कलर। ठीक है, तो यही एक सिंपल सा तरीका है जिससे मैंने ब्लैक अचीव करा था, और मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी है। और एक लाइक कॉन्ट्रास्टिक कलर आता है जिससे स्नेक के टेक्सचर अच्छे से निखर के आते हैं, इसलिए मैंने ग्रेडियंट मैप यूज़ करा बजाय ब्लैक एंड वाइट के। ठीक है, और फिर यहाँ पे जस्ट सिंपल शेडोज हैं थोड़ी थोड़ी, शेडोज में आप डिटेल में वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं ये बंद करके दिखाऊं तो कितने स्लोली स्लोली मैंने धीरे 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 यहाँ पे वर्क कर रखा है, वही चीज़ है, धीरे 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 आप ब्रश से पेंट करते जाएंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो प्रॉब्लम आई थी वो थी ये,
आपको वाइट वाइट दिख रहे होंगे, तो इस पे भी मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था और सारे वाइट वाइट मैंने छुपा दिए, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। तो इससे और फिर इस पूंछ में भी मैंने छुपा दिए थे वाइट वाइट वाले, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे कटआउट करना और कैसे चीज़ों को रखना है, ठीक है। सॉरी गाइस। उसके बाद यहाँ थोड़ी शेडो और बढ़ा दी थी मैंने, और शेडो क्यों बढ़ाई थी, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, अगर किसी की पूंछ रखी होगी तो यार इतना एरिया तो शेडो से कवर होगा, तो उतना ही एरिया मैंने जस्ट ब्लैक से पेंट कर दिया। पेंट 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 पेंट, कोई अलग तरीका नहीं है, जस्ट पेंटिंग है। ब्रश लेना है, फैदर, और सिंपल पेंट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। उसके बाद कर्व्स, कर्व से मैंने क्या करा था, यहाँ पे कर्व से मैंने थोड़ा लिफ्टअप कराया एक डब्बा ऊपर, और फिर जहाँ जहाँ वाइट पार्ट थे स्नेक में, लाइक ये वाइट है, तो मैंने उसे ग्लो कर दिया थोड़ा 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 थोड़ा, टेक्सचर दे दिया बस, ठीक है। इससे कुछ एनहेंसमेंट आ जाती हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, तो मुझे तो पसंद है इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है, एनहेंसमेंट। और यहाँ पे ये इमेज आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी बनी है। अब उसके बाद यहाँ मैंने टैटू डाला था ये, और ये एक पीएनजी है जो सन की रिफ्लेक्ट बना रही है, और ये पीएनजी भी मैं शेयर कर दूँगा। इसमें कुछ ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं थी, जस्ट इसमें एक था ढूंढना मेन था कि आपको पीएनजी कहाँ से मिला। उसके बाद यहाँ भी टैटू था हैंड पे, एक ही है, एक रुक में मास्क कर रखा है, ठीक है। उसके बाद कलर ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग करने के बाद जो भी आपको मन करता हो, अगर आपको कलर ग्रेडिंग नहीं पता है तो शिफ्ट कमांड ए प्रेस करके होती है, और यहाँ पे जो भी मैंने कलर ग्रेड कराया वो है सेचुरेशन से, आप सारी चीज़ें डाउन कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, और बस यहाँ पे ये ऑरेंज और रेड रहने दीजिएगा, आपका भी लुक आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर मैंने लोगो इंसर्ट कर रखा था, लोगो इंसर्ट करने के बाद मैंने बाल कलर करे थे थोड़े से। अब बाल कलर करने का फंडा, कलर में जाना है, अपने कलर ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करना है, और जस्ट जो भी आपको कलर चाहिए हो आप वो कर सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वाइट कलर से ओवरले दिया है कि वो शाइनिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने कर्व से थोड़ी सी डॉज एंड बर्न वाली रिटचिंग करी है हल्की हल्की, आप देख सकते हैं स्किन पे, और रिटचिंग करना बहुत ईजी है डॉज एंड बर्न वाली। आपको ब्रश लाना है और ब्रश को बिल्कुल छोटा कर देना है अराउंड इतना, और फ्लो को ले जाना है 1% पे, और धीरे धीरे जहाँ भी आपको लगे प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पे आपने ब्रश से फैदर आउट करना है अच्छे से। तो ये चीज़ आपको थोड़ा टाइम लगेगा तब आएगी, एकदम से नहीं आता डॉज एंड बर्न किसी को जल्दी, मेरे को भी खुद, मैं अभी प्रोग्रेस में हूँ, सीख रहा हूँ इतना, तब भी थोड़ा थोड़ा ही करता हूँ मैं इतना टाइम में डॉज एंड बर्न। और एक एक्सेसिव, कहीं आप यहाँ से ये फ्लो को ले जाएं शॉप पे और एक ही बारी में करें तो डॉज एंड बर्न ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर अवेयर रखें और ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर रखा है कर्व से थोड़ा लिफ्टअप, कुछ नहीं है ब्लैंक, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसी ब्लैंक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कर्व दे रखा है, कर्व से मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज करी है हर हर जगह की, तो ये आप देख सकते हैं कर्व, ब्राइटनेस और डिक्रीज इंक्रीज का ही खेल था बस यहाँ पे, और कुछ था ही। और यहाँ ब्राइटनेस थोड़ी सी ऑटो पे क्लिक करके, ऑटो पे जब देगा तो 2 और 2 -2 का आ रहा था, तो कोई मैटर लगा नहीं मुझे इतना छोड़ने का, तो जस्ट सिंपल थी है। तो ये इमेज यार बहुत ही सिंपल थी एडिट करना, और ऐसा कंसेप्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट आपको ढूंढने पड़ते हैं एसेट, सबसे मेन बात होती है एसेट। अगर आप पे एसेट नहीं है तो आप इमेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे जस्ट लाइक दैट। और आप तो PNGs ढूंढते रहते हैं, तो PNGIMG.com है एक शायद, Pixabay है शायद, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ जहाँ से आप PNGs डाउनलोड कर सकते हैं, और
ऑसम आर्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि आप कैसे स्नेक ऐड कर सकते हैं अपनी फ़ोटो में। सो ये आप ब्रेकडाउन देख रहे होंगे कि कैसे कैसे कर रखा है मैंने। और सिंपल यार, शेडो ब्रश आपको फैदर्ड रखना है। यहाँ से फैदरिंग कहाँ से कम होती है, यहाँ आएंगे हार्डनेस जीरो कर दीजिए, आपका फैदर हो जाएगा ब्रश। ठीक है, मेन है ब्रश चलाना आना चाहिए आपको। अगर आपको ब्रश चलाना ही नहीं आता तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे जल्दी से। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे फैदर्ड ब्रश वर्क कर रहा है, और टैबलेट के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडिंग कैसे क्रिएट हो रही है अलग से। और अगर मैं यहाँ ब्रश के साथ और टैबलेट के साथ ना करूँ तो कुछ ऐसा ड्रॉ होता है। तो आप इसमें और इसमें बहुत फ़र्क देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। सो माइट बी टैबलेट प्रेफर करें, मेरा 26,000 के अराउंड का टैबलेट है तो थोड़ा सा प्राइसी है। आप ले सकते हैं बैम्बू टैबलेट, 3-4 हज़ार की रेंज पे है। आप जैसा वर्क करते हो आप देख सकते हैं, और हमेशा अपनी अर्निंग से निकालें जो भी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने यूज़ करनी है और फिर आप उस चीज़ की वैल्यू करेंगे जब आप अपनी अर्निंग से निकालेंगे वो चीज़। सो ये टैटू ऐसे बनते हैं जो मैंने बना रखा है अपने सर पे। ठीक है, अगर आपको सीखना हो तो। और फिर उसके बाद इसमें थोड़े डस्ट स्पैकल्स डाले थे मैंने, ये वाले, ये भी मैं शेयर करूंगा थोड़ी सी लाइटनिंग के लिए अच्छे लगते। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं रैप अप कर देता हूँ इस ट्यूटोरियल को, और इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, ये कंसेप्ट जस्ट ऐसे ही बनाया है मैंने, और मेहनत तो इसमें भी लगी है भाई। तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें इंस्टाग्राम पे, और जो भी आप मेरे एसेट से बनाते हैं, PNG से बनाते हैं, मुझे ज़रूर टैग करें इंस्टाग्राम पे। मैं ज़रूर देखता हूँ सब, सारे DM सारी चीज़ें देखता हूँ मैं, और जो भी आर्ट मुझे पसंद आती है तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ उसे, और शाउट आउट देता हूँ कि ग्रो करो आप भी। ग्रो करना कम्युनिटी को बहुत ज़रूरी है, एडिटिंग की कम्युनिटी बहुत पीछे है, और हमेशा की तरह कहूँगा भाई फ्री में एडिट ना कर। थैंक यू गाइस।